प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को सरकार ने दिया मुफ्त राशन। प्रदेश में 10 फरवरी से पहली से नौवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमित कक्षाओं के साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी रहेंगी जारी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 2 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पलवल में यूपी सीमा से सटे 5 अंतर्राज्यीय पुलिस नाके किए गए स्थापित। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने नाकों का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल अपने आप में प्रेरक अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी जैसा बड़ा संकट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर सरकार ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत देश में 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं। ये सेंटर गांव और घर के पास ही मुफ्त टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी MSP पर सरकार ने रिकॉर्ड खरीदारी की है। हमारे किसानों ने कोरोना के कालखंड में भी बंपर पैदावार की और MSP ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र को सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, लेकिन अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर काम हो रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं और जनता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रदेश में 10 फरवरी से पहली से नौवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज चंडीगढ़ में बताया कि कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कोविड की स्थिति को देखते हुए बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से लेने का फैसला बाद में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिस्थितियां नियंत्रण में रहीं तो विद्यालयों में नियमित कक्षाएं जारी रहेंगी, और कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो कक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से लगाई जाएंगी। हमने फैसला लिया कि 10 फरवरी से हम सारे स्कूल खोलने जा रहे हैं, और 10 फरवरी सारे स्कूल सभी पहली से लेकर 10वीं तक सभी शुरू कर देंगे। कोई अपने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि आम देखने में अभी तक जितनी बार भी उन्होंने स्कूल खोल लिया, यही देखने में आया कि पूरी कैपेसिटी के साथ बच्चे कभी नहीं आते हैं। लगभग 20-25% बच्चे ही स्टार्टिंग में आते हैं, तो जब तक बच्चे 50% तक आते हैं तब तक हम देखते हैं। तब तक मैं समझता हूँ कि शायद बिल्कुल सामान्य भी हो जाएगी स्थिति। तब तक अगर 100% तक भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे बढ़ते हैं तो उसके बाद निर्णय लेंगे, कि ये भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो निश्चित तौर से ऑफलाइन होंगी, और अगर संक्रमण ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर से ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सत्र कितने दिन चलेगा इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है राज्यपाल अभिभाषण। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे डिस्टिलरीज द्वारा शराब के अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी। नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं, तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सेपरेट का निर्माण है वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगते नाकों का पलवल के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल और उपायुक्त कृष्ण कुमार ने औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि 10 फरवरी को प्रथम चरण में यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर जिले में यूपी सीमा से सटे 5 अंतर्राज्यीय पुलिस नाके स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नाकों पर विधानसभा चुनाव के चलते कड़ी निगरानी व जांच की जा रही है और बिना जांच के वाहनों को नाके पार नहीं करने दिया जा रहा है। जो बॉर्डरिंग एरिया है यूपी से लगता हुआ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मथुरा का, इनका हमने पूरा जायजा लिया। हमारे 5 इंटरस्टेट नाके लगे हुए हैं जिसपे हमने डे नाइट के लिए फोर्स लगा रखी है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमने नियुक्त करवा रखे हैं उनके ऊपर, और पूरा हमने जायजा लिया है। हम पूरे अपना पूरा हम सतर्क हैं और किसी प्रकार की कोई घटना को हम घटित नहीं होने देंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशासन की ओर से बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से लगते 5 अंतर्राज्यीय नाकों से 3 किलोमीटर की परिधि तक शराब के ठेके 11 फरवरी तक पूर्णतया बंद रखने के आदेश जारी हो चुके हैं और आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी नाके हमारे टाइट हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई गलत काम इसमें हम नहीं होने देंगे। शराब ठेकों के लिए आज शाम को 6 बजे से और 10 रात्रि को मध्य और 11 तारीख को सुबह से ठेके खुलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम शुरू होंगे, जबकि मॉडल संस्कृति स्कूल में पहली कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1970 में इसी महाविद्यालय में दाखिला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हरियाणा विधानसभा में पेश होने वाला बजट हर वर्ग के लिए राहत लेकर आएगा। अब युग जो आ गया है वो विज्ञान का युग है, आईटी का युग है, तो आईटी को हम प्रारंभिक शिक्षा से ही जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे, तभी जा करके जो अपेक्षा है एक विद्यार्थी से अपनी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए, तो आईटी का एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम प्राइमरी शिक्षा से जोड़ रहे हैं। इस कॉलेज में मेरी स्वयं की पढ़ाई हुई 1970 से 1972 तक, और मेरे जीवन में अगर मैं मान के चलता हूँ कि जिन जिन शिक्षण संस्थाओं में मेरी पढ़ाई हुई, चाहे वो प्राइमरी कक्षा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनियानी में हुई या चाहे गवर्नमेंट हाई स्कूल भालियानंद से हुई, भालियानंदपुर वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज इसमें मेरी शिक्षा भी हुई, तो मैं इन सब संस्थानों को अपने जीवन में जो मुझे शिक्षा मिली, संस्कार मिले और जिसके कारण से मैं समझता हूँ कि यहाँ इस पद पर मैं हूँ, तो ये सारा श्रेय यहाँ के इन संस्थानों को और यहाँ के गुरुजनों को देता हूँ। बी आर चोपड़ा के सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। प्रवीण कुमार 74 साल के थे। 6.5 फीट लंबे प्रवीण कुमार ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अभिनय में आने से पहले प्रवीण एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। वो एशियाई खेलों में 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीत चुके थे।
उन्होंने दो ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रवीण कुमार को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खेल के कारण ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिली थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रवीण कुमार सोबती के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध अभिनेता व पूर्व एथलीट श्री प्रवीण कुमार सोबती के निधन का समाचार दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में बजट पूर्व परामर्श बैठक में कहा कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विभागों के मंत्रियों व प्रशासनिक सचिवों से उनके विभाग से संबंधित सुझाव लिए। अधिकारियों ने नई योजनाओं को शुरू करने के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हें सकारात्मक तौर पर सुनते हुए इन सुझावों को प्रदेश के आम बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें, लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूँकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 170 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,80,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 96.46% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3,98,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,43,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 11,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। इस वर्ष जनवरी तक 43,34,00,000 से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में बताया कि सभी पैन कार्डों को आधार से जोड़ने के लिए इस साल 31 मार्च तक की समय सीमा रखी गई है। उन्होंने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कई कारण हो सकते हैं। इसमें पैन और आधार के विवरण में मिलान न होना भी एक समस्या है। पैन को जोड़ने के लिए नाम, जन्मतिथि और ओटीपी मिलने के लिए मोबाइल नंबर गलत हो जाने से भी समस्या आ सकती है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि आधार कार्ड के विवरण का मिलान न होने की स्थिति में करदाता निर्धारित कार्यालय में जाकर विवरण सही करवा सकते हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को सरकार ने दिया मुफ्त राशन। प्रदेश में 10 फरवरी से पहली से नौवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमित कक्षाओं के साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी रहेंगी जारी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 2 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पलवल में यूपी सीमा से सटे 5 अंतर्राज्यीय पुलिस नाके किए गए स्थापित। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने नाकों का किया निरीक्षण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।